हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कोई फंक्शन f अगर किसी पॉइंट, ये जो x है, किसी पॉइंट c की ओर जाता है और fx l की ओर जाता है, तो हम कहते थे कि कहते थे और हम इसे ऐसे लिखते थे कि लिमिट एज x गोज टू c fx इक्वल टू l। जो डेफिनेशन हमने दी वहां पर हमने बात करी थी, कोई भी फंक्शन f है किसी पॉइंट c पर, जब x इस इंटरवल में होगा c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा, तो हमने बोला था दिस इज l, दिस इज l प्लस एप्सिलॉन, दिस इज l माइनस एप्सिलॉन। जब भी x इस इंटरवल में है fx को यहां पर होना चाहिए इस इंटरवल में, l माइनस एप्सिलॉन टू l प्लस एप्सिलॉन। इस केस में हम क्या देखते हैं, हमारे पास c की ओर बढ़ने के दो दो डायरेक्शन से, एक लेफ्ट साइड से आ रहा है इधर से और दूसरी डायरेक्शन क्या है, एक राइट साइड से आ रहा है। और हमने देखा था कि ऐसे ऐसे एग्जांपल देखे जहां पर फंक्शन लेफ्ट और राइट दोनों, ये जो x है वो लेफ्ट और राइट, इसका हमने यूज नहीं करा, लेकिन हम देख पा रहे थे कि जब भी x इस इंटरवल में होगा उसका सीधा से मतलब है x इसके राइट साइड में भी है और x उसके लेफ्ट साइड में भी है, हमेशा उसकी वैल्यू इस इंटरवल में होगी। और कहते थे कि fx की लिमिट l होगी जब x गोज़ टू c, यहां पर दो दो डायरेक्शन से आ रहा है। बहुत बार हमारे पास ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जब हम राइट साइड से आए तो लिमिट कुछ और होगी, लेफ्ट साइड से आए तो लिमिट कुछ और होगी, तो इसके लिए दो नोशंस हैं, जिसका एक का नाम है लेफ्ट हैंड लिमिट और दूसरा नोशन है जिसका नाम है राइट हैंड लिमिट। एक एग्जांपल से इसको देखते हैं, मान लेते हैं हम कोई फंक्शन एक बनाते हैं जहां पर जो फॉर पॉजिटिव एक्स उसकी वैल्यू 1 है, फॉर नेगेटिव एक्स उसकी वैल्यू -1 है, 0 पर 0 है, दिस इज -1 दिस इज +1। इस फंक्शन को ऐसे हम डिनोट करते हैं, fx इक्वल टू 1 इफ x इज पॉजिटिव, 0 इफ x इक्वल टू 0, -1 इफ x इज नेगेटिव। इसको एक दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं, दिस इज सेम एज मॉड एक्स अपॉन एक्स, इसे कहते हैं साइन फंक्शन, दिस इज कॉल्ड साइन फंक्शन और सिग्मा फंक्शन। इसमें बिहेवियर देखते हैं, इस फंक्शन का बिहेवियर एज एक्स गोज टू जीरो, जब हमारा जब हम एक्स राइट हैंड साइड से लेते हैं और वो जीरो की ओर जाता है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, एफ एक्स की वैल्यू 1 की ओर जाती है। और वही चीज जब हम लेफ्ट हैंड साइड से ले रहे हैं, यहां से यहां पर वैल्यू ये है, इधर वैल्यू ये है, ये जीरो की ओर जा रहा है तो वैल्यू क्या क्या रहा है यहां पर -1। इसका मतलब लिमिट एफ एक्स एक्स गोज टू जीरो, बट इन दिस केस we are taking x positive greater than 0, उस केस में हमें मिल रहा है this is +1। दूसरा केस क्या है, इसको इसका नाम हम देंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, क्यों, क्योंकि ये राइट साइड से आ रहा है। दूसरा केस है जहां पर x 0 की ओर जाता है लेकिन x क्या है, नेगेटिव है, इधर साइड से आ रहे, और इस केस में लिमिट आ रही है -1, क्यों, जब भी x 0 की ओर जितना जितना पास हम 0 के जाए
एफ एक्स माइनस वन के उतने पास है, सो दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट. अब इन दोनों को मैथमेटिकली हम देखते हैं. इंट्यूटिवली हमने देखा किस तरह से राइट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, इसको मैथमेटिकली देखते हैं. और इसके लिए एक नाम होगा वन साइडेड लिमिट, जिसमें नंबर फर्स्ट राइट हैंड लिमिट की हम बात करेंगे. So let f from a to r be a function we say f as a limit l at a point say c at a point x equal to c from right. If अब देखते हैं क्या हो रहा है. If we sum जो हमने पहले किया है for given epsilon positive there exist delta positive such that this happens, this fx minus l is less than epsilon. लेकिन यहां पर ध्यान देना है कब, whenever this x minus c. अब यहां पर x जो है, x हमारा राइट साइड से आ रहा है, ये पॉइंट यहां पर ये जीरो था हमारा राइट साइड से आ रहा है, तो x माइनस जीरो पॉजिटिव है. तो whenever this x minus c is less than delta and this x minus c is positive. तो इसको हम एक लाइन में लिख सकते हैं. अब यहां पर ध्यान दें, यहां पर हमने मॉड का यूज नहीं करा, यहां पर मॉड नहीं लिया. अगर हम मॉड ले लेते हैं तो वहां पर दोनों साइड से आते हो, x सी की ओर लेफ्ट साइड से भी आ रहा होता है, राइट साइड से भी आ रहा होता है. लेकिन अभी हमने यहां पर क्या किया, केवल राइट साइड से जो x आते हैं उनको लिया है. एंड वी राइट इट एज एंड वी डिनोट इट h limit x goes to c plus, plus means right side, c plus fx equal to l. This is the definition for right hand limit. Next definition for left hand limit. So हम इसको left hand limit की बात करते हैं. Second one is left hand limit. So this is function and यहाँ पर क्या आएगा, b a function from a to r. We say f has a limit l at a point x equal to c from left. From left. यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो जब भी ये zero left से आएगा तो x minus zero क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, क्योंकि x माइनस ये पार्ट नेगेटिव है, x माइनस जीरो इज नेगेटिव. ठीक है, सो इसको दिस इज सेम फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट दिस, बट दिस विल बी चेंज नाउ, दिस विल चेंज. इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज c माइनस
x is positive. This c minus x is positive. यहाँ देख सकते हो c minus x, जब भी हम 0 minus x करेंगे तो यहाँ का negative part है, minus of minus is positive. So this is 0 minus x is positive and उनके बीच की जो distance जो less than delta. And we denote it as हम इसको कैसे denote करेंगे? Minus. ठीक है, ये दोनों limit लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात है. अब हम बात आती है ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लिमिट से कैसे रिलेट है. तो हमने लिमिट सुबह पढ़ा था, पहली क्लास में जो हमने पढ़ा है लिमिट, उस लिमिट से ये कैसे रिलेट करते हैं. तो उसके लिए एक रिजल्ट हम लिखते हैं थ्योरम. Let f from a to r be a function and let c be a limit point of a तो हम ध्यान दें यहाँ पर ये जो सी है ये लिमिट पॉइंट है. यहाँ पर दोनों डेफिनेशन में, राइट हैंड में भी और लेफ्ट हैंड लिमिट में भी, दोनों में ये जो सी लिया है उसको लिमिट पॉइंट होना जरूरी है. वो लिमिट पॉइंट है, सी भी है लिमिट पॉइंट ऑफ ए. देन दिस लिमिट एक्स गोज टू सी एफ एक्स इक्वल टू एल if and only if limit x goes to c plus f x equal to l and limit x goes to c minus f x equal to l. यहां क्या बात है, ये क्या ये रिजल्ट क्या कहता है, अगर फंक्शन की लिमिट l है एज x goes to c वो तभी होगा जब उसका राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करें और वो दोनों बराबर हो. ठीक है, तो यहां पर बात आई कैसे वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लिमिट से रिलेट करते हैं. तो बाय दिस रिजल्ट दे रिलेट इज सो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों जब इक्वल होंगे और वो किसी एल के बराबर है तो हम कहेंगे वो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो एल है. तो इसका प्रूफ बहुत इजी है और ये आप लोगों का होमवर्क. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. अभी तक हमने ये जो फंक्शन देखे हैं यहां पर देखा कि किसी एक पॉइंट पर हम जो फाइनाइट पॉइंट ले रहे हैं उस फाइनाइट पॉइंट पर लिमिट हमेशा फाइनाइट नंबर थी. अब देखते हैं किसी फाइनाइट पॉइंट पर लिमिट क्या इनफाइनाइट हो सकती है. तो इसके लिए इस नोशन की हम बात करते हैं और इनफाइनाइट लिमिट को देखते हैं कैसे होगा. अब हम बात करते हैं एक ऐसे फंक्शन की एफ एक्स. पहले हम एग्जांपल देखते हैं. एफ एक्स इक्वल टू से 1/ x माइनस टू. अगर हम ध्यान से देखें ये फंक्शन 2 पर डिपेंड नहीं है. क्यों? क्यों 2 पर देखो डिनोमिनेटर अगर हम x इक्वल टू 2 रखें तो डिनोमिनेटर 0 होता है और तुम सब जानते हो 1/0 इज नॉट डिफाइंड. सो एट x इक्वल टू 2 दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड. और वहां पर और जैसे जैसे वो 2 की ओर आता है दोनों साइड से वो फंक्शन बाउंडेड नहीं है, अनबाउंडेड है. वहां पर उसकी कोई लिमिट नहीं, वो बहुत रैपिडली इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो रहा है. ध्यान से देखें जब फंक्शन हम जब एक्स निगेटिव साइड से आते हैं, जब एक्स निगेटिव साइड से आते हैं टू की ओर तो क्या होगा, ये फंक्शन टू की ओर निगेटिव साइड से आएगा तो क्या होगा,
ये भी निगेटिव है, ये निगेटिव है, निगेटिव माइनस निगेटिव, वो निगेटिव पार्ट रहेगा और वो बहुत तेजी से डिक्रीज होगा, बहुत तेजी से फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। और जब x पॉजिटिव साइड से आ रहा है टू की ओर, तो x बहुत तेजी से इंक्रीज होगा। x बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है और अनबाउंडेड भी है। तो ऐसे फंक्शन के बारे में हम अभी देखेंगे लिमिट। So, हम देखना चाहते हैं लिमिट ऑफ फंक्शंस व्हिच आर अनबाउंडेड टू फाइनाइट एट फाइनाइट पॉइंट। At a finite point, unbounded at a finite point. So this two is finite. और यहाँ पर ये देख रहे कि ये function unbounded है। मान लेते कोई function f, हम definition देखते हैं कैसे definition बनेगी इसकी। हमें limit की definition क्या कहा था? जब भी x किसी point c के बहुत करीब रहे, तो f(x) l के करीब रहेगा। L के बहुत पास, fx L के पास हो जाएगा जब भी x c के पास जा रहा हो। इसको इसको यहां पर कैसे देखेंगे? उसको x 2 की ओर जा रहा है, लेकिन fx क्या है? fx किसी एक पॉइंट की ओर नहीं जा रहा, वो इनफिनिटी की ओर जा रहा है। ये हमेशा अनबाउंडेड है, मतलब आप कोई भी मुझे नंबर दोगे उस नंबर से बड़ा fx आ जा रहा है, कोई भी नंबर दो उस नंबर से बड़ा fx आ रहा है। तो इसको हम कैसे कहेंगे? Let f from a to r be a function and a naught c be a limit point of a. Then what is the meaning of this thing? Then limit x goes to c fx equal to infinity. हम इसकी बात करना चाहते हैं, कैसे इसको कैसे मैथमेटिकली कह पाएंगे? हमने देखा कि लिमिट एज x goes to c, जब भी x c में जा रहा है fx infinity को जा रहा है। तो इस केस में हम एक काम करते हैं, पहले हम देखते हैं ये राइट हैंड साइड से आ रहा है तो इन्फिनिटी में जा रहा है, यहाँ लेफ्ट हैंड से जा रहा है तो ये माइनस इन्फिनिटी में जा रहा है। तो हम देखते हैं पहले राइट हैंड लिमिट, इसका क्या मीनिंग है। ठीक है, इसको करने के लिए सेम चीज है। इफ दिस हैपन, इफ यहां पर लिखो देन लिमिट दिस, इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव। अब हमारे पास क्या हो रहा है? तुमने हमें एप्सिलॉन दिया, अब हमें कुछ देना पड़ेगा यहाँ पर। हम फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव। अब यहाँ एप्सिलॉन डेल्टा के बीच हमें खेलना है। हमारे पास क्या होता था अगर याद करें? अगर कोई भी फंक्शन वहां पहले था तो हम कहते थे एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा। ठीक है, ये बात यहां पर हम कह रहे हैं कि एक्स हमेशा सी के डिलीटेड नेबरहुड में है, और यहां पर हम कह रहे हैं कि एफ एक्स एल के नेबरहुड में है, एप्सिलॉन नेबरहुड में। लेकिन एल का यहां पर क्योंकि लिमिट एल थी और हम उसके नेबरहुड को जानते हैं, यहां पर इसी बात को हमने कहना है कि fx इंफिनिटी के नेबरहुड में हो। तो व्हाट डू यू मीन बाय नेबरहुड ऑफ इंफिनिटी? हमें नहीं मालूम इंफिनिटी का नेबरहुड क्या है,
तो हम पहले बात करेंगे कि इंफिनिटी का नेबरहुड क्या होना चाहिए। तो इसके लिए अगर हम रियल नंबर लाइन को देखें, रियल नंबर लाइन में इंफिनिटी कहीं दूर है, उसके नेबरहुड को देखने का मतलब हमने कोई भी पॉइंट एक एम चूज करा और उसके बाद क्या किया, ये पूरा पोर्शन एम, पूरा पोर्शन यूनियन इंफिनिटी। तो नेबरहुड ऑफ इंफिनिटी क्या बना, कोई भी रियल नंबर x सच दैट x इज ग्रेटर देन m, सो दिस इज नेबरहुड ऑफ इंफिनिटी यूनियन इंफिनिटी। हमेशा इंफिनिटी नेबरहुड ऑफ इंफिनिटी है, इसका मतलब इंफिनिटी का नेबरहुड इंफिनिटी को कंटेन करेगा, लेकिन ये वाला पार्ट इंफिनिटी को कंटेन नहीं कर रहा है, इसलिए हमने उसमें क्या किया, यूनियन इंफिनिटी। तो अब इस नेबरहुड की मदद से हमें यहां पर इस बात को कहना है। अब हमें एप्सिलॉन पॉजिटिव गिवन है, लेकिन यहां पर अब हम उसे किस फॉर्म में कह रहे हैं, एप्सिलॉन पॉजिटिव मींस एक्स ग्रेटर देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा बताइए, यहां पर क्या आएगा, एफ एक्स ग्रेटर देन एप्सिलॉन व्हेनेवर, दिस इज सच दैट एफ एक्स ग्रेटर देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एक्स गोज टू सी प्लस। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है दिस थिंग, व्हेनेवर दिस एक्स माइनस सी इज पॉजिटिव एंड लेस देन डेल्टा। अब हम इस पहले उसको और इन दोनों को अगर हम वापस में रिलेट करते हैं तो देखते हैं, दिस इज सेम एज लिमिट एफ एक्स एज एक्स गोज टू सी फ्रॉम राइट इक्वल टू इन्फिनिटी। ये हमारा एक डेफिनेशन बनी जो जो राइट हैंड लिमिट है फ्रॉम राइट हैंड लिमिट विच गोज टू इन्फिनिटी, और दूसरा पार्ट है लेफ्ट हैंड लिमिट विच गोज टू इन्फिनिटी, वो कैसा होगा। इसी में अगर हम इसी फिगर में देखते हैं, ये दूसरा फिगर क्या कर रहा है, x 2 की ओर जा रहा है लेकिन लेफ्ट से, उसके इसमें लिमिट क्या है, माइनस इंफिनिटी है। इसके लिए डेफिनेशन देखते हैं क्या बननी चाहिए, डेफिनेशन किसकी देख रहे हैं, हम इसकी देख रहे हैं, लिमिट एफ एक्स एक्स गोज टू सी निगेटिव विच इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी। तो दिस इज सेम एज, इसका कहने का मतलब, तो दिस हैपेंस इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव, अब देखो क्या हो रहा है, एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट, अब हम क्या लेना चाह रहे हैं, देखो यहां पर ये नेगेटिव साइड पे जा रहा है, माइनस इंफिनिटी का नेबरहुड चाहिए हमें। माइनस इंफिनिटी के नेबरहुड को कैसे देखेंगे, माइनस इंफिनिटी का नेबरहुड दिस, यहां पर देखते हैं माइनस इंफिनिटी इधर लेफ्ट साइड में कहीं इंफिनिटी है, दूर कहीं इंफिनिटी है, हमें नहीं पता। तो कोई एक पॉइंट उठाओ, कोई भी एक एन या कोई भी एम, कोई भी नंबर ले रियल नंबर, और उससे छोटे सारे रियल नंबर हम ले लेते हैं, सारे रियल नंबर, और उसमें यूनियन साथ में माइनस इंफिनिटी ले लें तो वो इंफिनिटी का नेबरहुड आएगा, नेबरहुड ऑफ इंफिनिटी, नेबरहुड ऑफ माइनस इंफिनिटी, दिस इज गिवन बाय ऑल दो एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन एम यूनियन माइनस इंफिनिटी, ठीक है। तो हम यहां पर थोड़ा कुछ और बात कर सकते हैं, फॉर गिवन हम अभी एप्सिलॉन को हटा देते हैं, वहां पर भी तुम हटा सकते थे, हम यहां पर कोई रियल नंबर लेते हैं एम इन आर, कोई भी रियल नंबर, फॉर गिवन एम इन आर देयर एग्जिस्ट, क्योंकि ये हम देखो कुछ भी पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे अभी, क्योंकि यहां पर ये एम, अगर मैं माइनस 100 ले लूं, एक्स इज ग्रेटर देन माइनस 100
और यूनियन इनफिनिटी वो सारे ये सेट यूनियन इनफिनिटी क्या बनाएगा, नेवर रूट ऑफ माइनस इनफिनिटी. सो फॉर एनी रियल नंबर, फॉर गिवन रियल नंबर m, देयर इज डेल्टा पॉजिटिव सच दैट दिस एफ एक्स दिस शुड बी लेस देन m, दिस शुड बी लेस देन m व्हेनेवर लेफ्ट साइड से आ रही, ये लेफ्ट साइड से आ रही, ये c पॉइंट है मान लो, तो c माइनस x इज पॉजिटिव व्हेनेवर दिस ठीक है. कोई दिक्कत किसी को? यहां पर हम लोग लिमिट अनबाउंडेड फंक्शन की लिमिट हमने देखी किसी एक पॉइंट पर. दूसरा ऐसे फंक्शन हो सकते हैं जो एच एक्स गोज टू इन्फिनिटी लिमिट भी इन्फिनिटी को जा रहा है. यहां पर हमें एक फाइनाइट पॉइंट पर लिमिट इन्फिनिटी को जा रहा था. हम देखते हैं किसी, हम जब एक्स इन्फिनिटी को जा रहे हैं तो इनफाइनाइट लिमिट आ गई, तो वहां पर देखते हैं वो कैसा होगा. क्या हमने देखा कि कोई फंक्शन एफ इन्फिनिटी को जाता है जब जो एक्स है वो राइट साइड से सिक्योर है. और दूसरी डेफिनेशन थी एफ एक्स माइनस इन्फिनिटी को जाता है जब एक्स लेफ्ट हैंड साइड से सिक्योर है, ये आपने देखा. अब हम क्या ऐसा देख सकते हैं, अब हम देखना चाहते हैं एफ एक्स इन्फिनिटी को जाए व्हेन एक्स गोज टू सी बोथ साइड फ्रॉम लेफ्ट एंड फ्रॉम राइट दोनों साइड से. इसके लिए डेफिनेशन देखते हैं पहले. सबसे पहले हम बात करते हैं, कभी हमने थ्योरम देखी थी वहां पर क्या बोला था, हमने थ्योरम देखा था उसमें बोला था लिमिट एफ एक्स इक्वल टू एल एक्स गोज टू सी दिस एफ एक्स इक्वल टू एल इफ एंड ओनली लिमिट द राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट. अब यहां पर हम देखना चाहते हैं एक्स गोज टू सी, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी इंफिनिटी है, राइट हैंड लिमिट भी इंफिनिटी है, तो उसको लिखने का तरीका क्या होगा. हम इसकी डेफिनेशन देंगे, लिमिट एक्स गोज टू सी एफ एक्स इक्वल टू इंफिनिटी. इसको कैसे देखेंगे? वही सेम चीज है. दिस इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव, और से अब हम एप्सिलॉन नहीं लेते, हम कोई भी एम नंबर लेते हैं, एम रियल नंबर, फॉर गिवन एम विच इज एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट कैसा होगा, दिस एफ एक्स इज ऑल ग्रेटर देन एम व्हेनेवर Whenever this happens, इसका इसका क्या मतलब है, x right side से भी आ रहा है, x left side से भी आ रहा है. यहाँ पर x both side से, both left side limit भी है और right side, x के लिए दोनों portion हमारे पास है, right से भी आ सकता है वो, left से भी आ सकते हैं, x के लिए दोनों choices है. And जब भी हमारा x इस interval में है, इस neighborhood में है, fx हमारा इस neighborhood में होगा, एफ एक्स ग्रेटर देन एम, और हम एज लार्ज एज पॉसिबल हम ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले हम एक डेल्टा मिल जाएगा, दिस इज सेम एज दिस थिंग. अब बात आती है, नेक्स्ट बात आती है कि जब हमारा ये जो सी है ये भी इन्फिनिटी हो तो क्या हो. नेक्स्ट केस देखते हैं, नेक्स्ट केस अभी दो केस बचे हमारे पास, लिमिट एक्स गोज टू इंफिनिटी एफ एक्स इक्वल टू फाइनाइट नंबर एल, एक केस ये बचता है,
एक केस ये है और एक केस ये है, लिमिट x गोज टू इंफिनिटी एफ एक्स इक्वल टू इंफिनिटी। सो दोनों केस को अभी देखते हैं, कैसे उसको लिमिट देखेंगे। तो पहला केस, केस स्टार, इसको कैसे कहेंगे, जैसे x इंफिनिटी को जा रहा है, मींस x इंफिनिटी के नेबरहुड में है, इंफिनिटी के नेबरहुड मींस x इज ऑलवेज ग्रेटर देन सम m, कोई भी नंबर m है उससे बड़ा होगा हमेशा, x जब भी किसी एक रियल नंबर m से बड़ा है, फिक्स रियल नंबर m से बड़ा है, तो fx l के किसी नेबरहुड में होगा, इसको हम कहना चाहते हैं। तो केस स्टार कहता है हमारे पास लिमिट fx x goes to infinity is equal to l, इस डेफिनेशन को देखें। इसको कहने का तरीका, if for given epsilon positive there exists m, m which is positive as large as possible, m this is large enough, large enough, बहुत बड़ा नंबर सच है, सच है, इज एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर दिस एक्स इज ग्रेटर देन एम, दिस डिनोट्स एक्स इन neighborhood, x is in neighborhood of infinity and this denotes fx is in neighborhood of l. So whenever x is in the neighborhood of infinity, fx is in the neighborhood of l. ये इसकी definition है। Case, दूसरा case देखते हैं, star star, यहाँ पर है हमारे पास क्या, limit भी infinity है और c की वैल्यू भी इंफिनिटी, एफ एक्स गोस टू इंफिनिटी है। अब आप लोग समझ गए होंगे कैसे हम इसको बना रहे हैं, जब भी x, इसका मतलब जब भी x इंफिनिटी के नेबरहुड में, एफ एक्स इंफिनिटी के नेबरहुड में, तो वो हम जानते हैं इंफिनिटी का नेबरहुड क्या हुआ। तो इसका सीधा सा मतलब है, इफ फॉर गिवन, अभी हम एप्सिलॉन डेल्टा को किसी नंबर से चेंज करते हैं, गिवन n, there exists m, yes, large number, and which is, there exists m, large number के लिए मैं ये notation use कर रहा हूँ, greater than zero, ये large enough, ये यहाँ पर तुम ये use कर सकते हो, बहुत बड़ा number। Such that fx is greater than n whenever x is greater than m. Examples देखते हैं, यहां पर जो भी अभी हमने डेफिनेशन देखी उनके एग्जाम्पल देखते हैं। सो take fx equal to 1 by x और हमें ये प्रूव करना है, लिमिट x goes to 0 plus fx equal to infinity, नंबर एक। नंबर दो, लिमिट x goes to 0 minus fx equal to minus infinity। अब यहां ध्यान से देखो, राइट हैंड लिमिट इज प्लस इनफिनिटी, लेफ्ट हैंड लिमिट इज माइनस इनफिनिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि लिमिट x इक्वल टू 0 fx इक्वल टू इनफिनिटी होगा, बिल्कुल गलत, दैट इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज माइनस इनफिनिटी एंड राइट हैंड लिमिट इज इनफिनिटी। सो हम इन दोनों से एक पार्ट देखते हैं। तो पहला वाला पार्ट हम करना चाहते हैं, हम मुझे दिया गया फॉर गिवन m, कोई m मुझे गिवन है, मुझे एक डेल्टा निकालना है।
So m is positive. So consider this part. Consider fx. And this fx is greater than m. fx kita tha? 1 by x. और 1 by x greater than m हमें लेना है. लेकिन मुझे यहाँ पर कैसे चाहिए? मुझे वो सारे x चाहिए जो ये चीज सेटिस्फाई कर रहे हैं. x minus 0, this should be positive, but less than delta. तो मुझे delta की value चाहिए. ये delta मुझे निकालना है. ये जो भी होगा. अब ये मैं कैसे निकालूंगा? वो उसकी मदद से निकालूंगा. So take from here, this implies 1 by m. ये मैं कर सकता हूँ. So from here, this x is less than 1 by m. So m कोई भी real number था, positive real number था. 1 by m भी कोई positive real number होगा. अब मुझे यहाँ इसकी मदद से delta की value निकालनी है. So take delta, choose delta less than 1 by m. कोई भी एक less than 1 by m delta choose कर लो. In particular choose delta equal to 1 upon m plus 1. So ये हमेशा less than 1 upon m होगा. So choose delta equal to 1 upon m plus 1. अब देखो क्या हो रहा है. जब भी आपका fx, अब जब भी हमारा x minus 0 less than 1 upon m plus 1 है, और ये x क्योंकि मैं negative positive side से ले रहा हूँ, तो इसको मेरे को 0 greater than ये लेना पड़ेगा. This implies x is less than 1 upon m plus 1. And this 1 upon m plus 1 is less than 1 upon m. Okay. From here, यहाँ से क्या मिलता है मुझे? देखो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? यहाँ से मिला मुझे x is, sorry, यहाँ से मुझे मिला 1 upon x is greater than m. जो कि किसकी डेफिनेशन थी? For this delta, whenever this happens, I'll get 1 upon x is greater than m. जिसका मतलब है fx is greater than m. And this is same as limit x goes to 0 plus fx equal to infinity. ठीक है, ऐसे ये सेकंड पार्ट आप लोग करेंगे. अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं जहां पर क्या हो रहा है. दोनों लिमिट सेम है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इन्फिनिटी को जाते हैं. तो हम देखते हैं fx इक्वल टू 1 अपॉन मॉड x. तो कैसे ग्राफ बनेगा? देखो 1 अपॉन x का ग्राफ तो सबको मालूम है. 1 अपॉन x का ग्राफ ऐसा होता है. ठीक है, ये 1 अपॉन x का ग्राफ है. दिस इज ग्राफ ऑफ 1 अपॉन x. ये 1 अपॉन x, लेकिन हम क्या ले रहे हैं? 1 अपॉन मॉड x. मॉड x हमेशा पॉजिटिव हो जाए, तो ये वाला जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो पॉजिटिव की ओर चला जाएगा. तो 1 अपॉन ये x का ग्राफ है, 1 अपॉन मॉड x का ग्राफ कैसे बन जाएगा? बहुत बढ़िया, इस तरह से. ये 1 अपॉन मॉड x का ग्राफ है. ठीक है, अब ध्यान दें, जब भी मैं 0 को लेफ्ट साइड से आऊं या राइट साइड से आऊं, दोनों केस में फंक्शन कहां को जा रहा है? प्लस इनफिनिटी को. तो यहां पर हमें प्रूव करना है लिमिट x गोज टू 0 1 अपॉन मॉड x इक्वल टू इनफिनिटी. होमवर्क आप लोग करोगे. और एक हमने थर्ड देखा था, क्या जहां पर लिमिट एच गोज टू इंफिनिटी, लिमिट गोज टू इंफिनिटी.
एग्जांपल देखते हैं, इसके लिए तो बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास हैं। ठीक है, नंबर एक, ध्यान से देखेंगे, fx equal to x, क्या हो रहा है यहां पर, जैसे जैसे x इंफिनिटी को गया, x यहां इंफिनिटी को गया, fx ये भी इंफिनिटी को जा रहा है, तो प्रूव करना है, नंबर फर्स्ट लिमिट x goes to infinity, fx equal to infinity। दूसरा एग्जांपल, टेक दिस पैराबोला fx equal to x square, ये थोड़ा पैराबोला बनाओ, इसको सही से नहीं बनाओ, दिस इज पैराबोला, ठीक है, fx equal to x square, जैसे जैसे x इंफिनिटी को जा रहे हैं, ये x square बहुत तेजी से इंफिनिटी को जा रहे हैं, so, दूसरा पार्ट है प्रूफ, लिमिट x goes to infinity, fx equal to infinity, ये सब ये आपको होमवर्क में करना है। एक लास्ट चीज के साथ मैं ये लेक्चर खत्म करूंगा, इस लाइन को जहां पर ये लाइन, इस लाइन की बात कर लेते हैं हम, जहां इस देखो ये यहां पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे x जीरो की ओर जा रहे हैं, ये लाइन और ये ग्राफ के बीच की डिस्टेंस कम होती जा रही है, और हम कहेंगे जैसे जैसे x जीरो को आएगा, ये ग्राफ ऑफ f और ये लाइन, इन दोनों की डिस्टेंस भी जीरो को जाएगी बहुत करीब, और इस बिहेवियर को हम एसिम्प्टोट कहते हैं, इस लाइन x इक्वल टू जीरो को इस फंक्शन fx इक्वल टू 1/x इसका एसिम्प्टोट कहेंगे, वर्टिकल एसिम्प्टोट। तो यहां से वर्टिकल एसिम्प्टोट की क्या डेफिनेशन बनेगी बताओ, सो वर्टिकल एसिम्प्टोट लाइन x इक्वल टू a इज कॉल्ड वर्टिकल एसिम्प्टोट ऑफ ए फंक्शन f इफ वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड, इफ वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स, क्या क्या, नंबर वन यही वाला पार्ट, लिमिट x गोज टू a fx इक्वल टू इंफिनिटी हो जाए, या तो प्लस इंफिनिटी हो या माइनस इंफिनिटी हो, लिमिट x गोज टू a fx या तो माइनस इंफिनिटी हो जाए, या तो उसका राइट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इंफिनिटी हो, या राइट हैंड लिमिट प्लस इंफिनिटी हो, या राइट हैंड लिमिट क्या हो माइनस इंफिनिटी हो, या लेफ्ट हैंड लिमिट इन दोनों में से कुछ एक हो, सो अगर इन छह में से कोई एक सेटिस्फाई करता है तो हम कहते हैं fx दिस x इक्वल टू a इज वर्टिकल एसिम्प्टोट ऑफ दिस फंक्शन f। अगर यहां पर हमने अभी वर्टिकल एसिम्प्टोट देखा तो इसका मतलब एक हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट भी होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट कैसा होगा,
एक फिगर से देखते हैं और फिर देखते हैं क्या। मान लो मेरे पास कोई ग्राफ, किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसा है, ध्यान से देखो यहां पर क्या हो रहा है। ये जो फंक्शन है x goes to infinity, ये fx जो है ये इस l की ओर जाएगा। ये एक केस है। इस केस में अगर देखें तो ये जो लाइन l है fx equal to l, और इसको हम y equal to l भी कह सकते हैं। ये लाइन y equal to l जो लाइन है वो इस ग्राफ को कट भी करती है यहां पर देखो। और दूसरा एक एग्जांपल हमने 1 बाई एक्स कह लिया है। 1 बाई एक्स में ध्यान से देखें तो ये वाली लाइन एज एक्स गोज टू इन्फिनिटी डिस्टेंस ऑफ दिस एफ एक्स विच इज 1 बाई एक्स एंड दिस एक्स एक्स दिस गोज टू जीरो एज एक्स गोज टू इन्फिनिटी। इस केस में, इस फंक्शन के केस में, इस x इक्वल टू जीरो लाइन को, सॉरी y इक्वल टू जीरो लाइन को हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट कहेंगे। इस केस में इस y इक्वल टू l को हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। तो इसको हम देखते हैं कैसे। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, so a line y equal to c is called a horizontal asymptote of a function f if, क्या क्या हो सकता है, इफ लिमिट x goes to infinity एफ एक्स दिस वुड बी सी, यहां पर x इक्वल टू प्लस और माइनस इन्फिनिटी, कोई भी केस, इफ एफ एक्स इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, ये एफ एक्स इक्वल टू सी हो तो हम उसे हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट कहेंगे। इन दोनों में से एक इधर एज एक्स गोज टू इन्फिनिटी तो हम अलग अलग भी लिख लेते हैं, और लिमिट एक्स गोज टू माइनस इन्फिनिटी। सो इन दैट केस वी से दिस वाई इक्वल टू सी इज ए हॉरिजॉन्टल ऑफ हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट ऑफ एफ एक्स। अगर यहां वाले केस में देखें तो हम देखते हैं लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स this goes to zero, तो इसका मतलब y equal to zero, this y equal to zero, this represents y equal to zero, this is a horizontal asymptote for f x equal to 1 by x। तो इसी के साथ मैं ये लिमिट वाला पोर्शन खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यूटी के बारे में बात करेंगे।